नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। 113 का स्टॉक हो चुका है और 1% की गिरावट फ्राइडे को हुई थी। बात करेंगे इस वीडियो में, क्या बैंक ऑफ बड़ौदा में इस समय खरीदारी करना चाहिए आपको। स्टॉक में लगातार दूसरे तीसरे दिन यहां पर गिरावट हुई, इस हफ्ते की रैली क्या रहेगी, क्या इस हफ्ते शुरुआत करेगा अपसाइड मोमेंटम के साथ, या फिर जो रैली आपकी गिरावट में स्टार्ट हुई है, डाउनवर्ड ट्रेंड जो आपका स्टार्ट हुआ है, वो इस हफ्ते भी कंटिन्यू रहेगा। बात करेंगे इस वीडियो में, साथ में बाजार को लेकर कौन कौन से फैक्टर है जो आपको परेशान करते हुए दिखाई देंगे इस हफ्ते में, और कौन कौन से फैक्टर है जो बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टॉक को मैनिपुलेट कर सकते हैं दिस वीक, क्या टारगेट लेकर के चलना है इस हफ्ते का, खरीदारी करनी है या नहीं करनी है, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोअर एंड पे देखते हो तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है 110 के करीब का, आपका पहला सपोर्ट लेवल, और मैं बैट कर रहा हूँ कि देखो इस हफ्ते शायद 110 के आसपास का आपका यहाँ पर स्टे करे, और उसके नीचे एक और सपोर्ट लेवल आपका 103 के आसपास का। इस हफ्ते के टारगेट्स की जहां तक बात रही, आई एम होपिंग कि अराउंड आपका जो इस 121 से 120 रुपए तक के लेवल्स अगर अपसाइड में आता है, आपका बाजार रिकवरी में होता है, तो 120 से 121 तक के लेवल्स आपको दिखाई दे सकते हैं इस हफ्ते में। स्टॉक एक अच्छी पोजीशन में है, ऐसा नहीं है कि स्टॉक में खराबी है, इंटरनल इश्यूज चल रहे हैं यहाँ पे, नहीं, स्टॉक एक अच्छी पोजीशन में बना हुआ, और इसी पोजीशन में आपको यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह मेरी रहेगी। दो तीन खबरें हैं, आप देखो कि मार्केट में अभी भी बैंक ऑफ बड़ौदा का एक क्रेज बना हुआ है बिकॉज ऑफ की बैंक निफ्टी की वजह से, दूसरा क्वार्टर 3 के नंबर्स अच्छे आए हैं, तीसरा जो 1000 करोड़ के आसपास के यहाँ पर फंड रेज किया गया था उसकी वजह से, तो ऐसा नहीं कह सकते हो आपके बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप खरीदारी करने उतरते हो तो यू डू नॉट हैव एनी न्यूज। यहाँ पर खबरें हैं क्योंकि इंटरनली अच्छी खबरें हैं, इंटरनली स्ट्रॉन्ग कंपनी बन चुका है एंड बिग ब्रोकर हाउसेस जो हैं आपके सामने दे आर बेटिंग ऑन दिस स्टॉक, तो ये तो तय है कि अगर आप यहाँ पर पैसा लगा रहे हो शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के लिए तो पैसा तो बनेगा आपका। बहरहाल अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म में जा रहे हो, यानी 2 से 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते के लिए, वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, बट फिर भी मैं बोलूंगा कि खबरें अच्छी हैं तो यहाँ पे बिल्कुल आपको बेटिंग करनी चाहिए इस हफ्ते में। अगर आपने खरीदारी कर रखी है, दो लेवल्स आपको देखने हैं, लोअर एंड पे 110 तक के, अगर 110 ब्रेक डाउन होता है, यहाँ से नीचे आता है आपका स्टॉक, तो 103 104 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं बाजार में। अपर साइड हमारा जो लेवल इस समय बना हुआ है, क्योंकि मार्केट आपका एक रेंज में है एंड लास्ट वीक काफी ठीक ठाक यहाँ पर गिरावट हुई है, तो मैं होप कर रहा हूँ कि अगले हफ्ते यहाँ पर, यानी कि कल से बाजार में एक अच्छी रैली की शुरुआत हो। अगर शुरुआत होती है तो बैंक ऑफ बड़ौदा पिकअप करेगा एंड यहाँ से 121 तक के लेवल्स आपको दिखाई देंगे। जहां तक चार्ट पैटर्न की बात है, आरएसआई आपका 68 पॉइंट्स का, यानी स्ट्रॉन्गली बुल रन में अभी भी आरएसआई आपका बना हुआ है, मैग्दी स्ट्रॉन्गली बुल रन में है, इंस्टाग्राम आपके अपर साइड बन रहे हैं, तो ओवरऑल खबरों की जहां तक बात है या चार्ट की जहां तक बात है, आई वुड से कि चार्ट आपका बहुत गजब का बना हुआ है। अभी भी अगर आप एवरेज ब्रोकर टारगेट देखते हो तो 118 का एवरेज ब्रोकर टारगेट, आई एम होपिंग कि 130 के आसपास तक के टारगेट्स आपको अगले आने वाले 2 से 3 महीनों में मिल सकते हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल मेरी राय रहेगी खरीदारी करके चलो यहाँ पे। हालांकि ये 1 हफ्ते का टारगेट है, आई एम नॉट सेइंग कि आपको 1 हफ्ते के लिए खरीदारी करनी है, ये उन लोगों के लिए जिन लोगों ने ऑलरेडी बाय किया हुआ स्टॉक, एंड अब उन लोगों के लिए बात करते हैं अगर आप खरीदारी करना चाहते हो तो। देखो खरीदारी करने के लिए 106 तक के लेवल्स का वेट कर सकते हो आप, यहाँ तक आपका एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है, 106 का स्टॉप लॉस रखना है आपको इन द सेंस, ठीक है। और टारगेट कहाँ पर होना चाहिए भैया, टारगेट होना चाहिए अराउंड आपका 130 के आसपास का, 130 का मेरा टारगेट है। मेरे दो टारगेट्स थे, मैंने आपको लोअर एंड पे खरीदारी करने के लिए बोला था, 78-80 रुपीज के आसपास ही खरीदारी का प्राइस था मेरा, और यहाँ से 98 का पहला टारगेट था और 103 का आपका 107 के आसपास का दूसरा टारगेट था, दोनों टारगेट आपके अचीव हुए। अभी अपना जो तीसरा टारगेट है दैट इज 130 रुपीज के आसपास का, थोड़ा सा साइडवेज का मार्केट हो सकता है यहाँ पे, एंड आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि अभी मार्केट का भी काफी ऊपर आ चुका है, एक अच्छी लंबी रैली करके आया है, क्वार्टर 3 आ चुका है आपका, तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं रह चुका है जिसकी वजह से पुश मिले इसे, तो 106-108 के आसपास का आपका यहाँ पर एक साइडवेज का मार्केट बन सकता है फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म, बट देन अगेन ये बहुत अच्छे पिकअप करेगा, 130 तक के लेवल आपके सामने जरूर आएंगे। तो अगर आपने अभी तक खरीदारी नहीं की है बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी कर सकते हो, लोअर एंड पे आरएसआई आपका 68 पॉइंट्स का है वीकली पैटर्न में भी, और मैग्डी आपका स्ट्रॉन्गली बुल रन में वीकली पैटर्न में, इंस्टाग्राम अभी भी अपर साइड है, तो इस हफ्ते की रैली की शुरुआत मुझे दिखाई देती है कि यहाँ से कम एक अच्छी हो सकती है इस हफ्ते में, अगले महीने में, और उससे अगले महीने में 2 से 2.5 महीने का टाइम फ्रेम रहेगा हमारा। लोअर एंड पे 106 का स्टॉप लॉस रखिए अपना, और 130 के टारगेट के लिए यहाँ पर बैटिंग करनी स्टार्ट करनी है। खबरों की जहां तक बात रही, 2 से 3 खबरें हैं हमारे सामने, आपको पता है क्योंकि बाजार में गिरावट है, ये जो फैक्ट है ना इसको इग्नोर नहीं करना है, यू कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट कि FII एंड EII आर ऑन द अपोजिट साइड एंड साथ में ब्रेंट के प्राइसेस तेजी में है, इकोनॉमी कॉस्टली हो रही है, रशिया यूक्रेन अभी भी साथ में भिड़े हुए हैं क्योंकि यूएस चाहता है, यूएस यूक्रेन को भड़का रहा है एंड यूक्रेन को डर है कि कहीं हमारे ऊपर हमला ना किया जाए,
और इसी सब के बीच में जो इंडियन मार्केट है, ये एशियन बाजार है आपका, वो लोअर एंड पे बना हुआ है। रीजन की FII यहाँ पे सपोर्टिव नहीं है बहुत ज्यादा। अच्छा, एक और चीज है कि FII फ्राइडे को तो सपोर्टिव थे, बट देन DII थोड़ा सा अपना रंग दिखाते हैं। DII आर द बिग टाइम मैनिपुलेटर एंड यू कैन नॉट बिलीव ऑन देम। कि अगर आपका DII 2 से 3 दिनों के लिए मार्केट को संभालते भी हैं, दैट्स अ ट्रैप। आपको उसको देख करके खरीदारी करना स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि DII कभी भी मौका लगते ही मार्केट को नीचे लेकर के आएंगे, और वही किया इन लोगों ने फ्राइडे को। हालांकि FII थोड़ी खरीदारी में आए हैं, लेट्स सी कि इस हफ्ते में अगर ये खरीदारी करने उतरते हैं, दैट वुड बी अ बिग पुश, और वहां से मार्केट में एक अच्छी रिकवरी बन सकती है। हालांकि जिस तरह का चार्ट पैटर्न आपका लास्ट डे का बना था, बहुत गिरावट नहीं हुई थी, इससे ये चीज तो साफ होती है कि मार्केट में कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अच्छा खरीदारी करने का पैटर्न बन रहा है। तो बिल्कुल आपको मेरी राय रहेगी, खरीदारी करके चलो, स्टॉक अच्छे जोन में है और पोजीशन यहाँ पे बनी हुई है, आपको इसी पोजीशन में खरीदारी करनी चाहिए। बैंक को बोले तो थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ है लास्ट के 2-3 दिनों में, और उसी कंसोलिडेशन में आपको अच्छा प्राइस मिल रहा है। अग्रेसिव नहीं जाना है, ये बात ध्यान रखना है कि अग्रेसिव नहीं जाना है। थोड़ा सा अगर आप खरीदारी करने उतर रहे हो, यू हैव टू कीप इन माइंड कि कॉशियसली बाय करो, बाय ऑन डिप खरीदारी करो, थोड़ा बहुत नीचे आता है स्टॉक वहां पे और खरीदारी करनी है। इस समय मार्केट में बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेज जरूर है, बट दैट डजंट मीन कि स्टॉक आपका लगातार एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर ही जाता रहेगा। वो कंसोलिडेट होगा और उस कंसोलिडेशन में पैनिक नहीं करना है। मार्केट में गिरावट है और नो वन कैन टेल यू फॉर अ फैक्ट कि देखो मार्केट इस हफ्ते ऊपर ही जाएगा या नीचे ही आएगा। तो अभी जो सिनेरियो है उसके हिसाब से मार्केट आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, और इस हफ्ते में पॉजिटिविटी आ सकती है अंटिल और अनलेस की कोई और बड़ा इवेंट हो जाए। बट फिर भी अगर मार्केट ऊपर नहीं जाता है, मार्केट नीचे आता है, तो पैनिक नहीं करना है। स्ट्रेट लाइन में कभी ऊपर नहीं जाएगा, सो दैट्स अनदर फैक्ट कि आपको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव होकर के खरीदारी नहीं करनी है, जो कि सब कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बाकी जहां तक नंबर्स की बात है, देखो नंबर्स में सबसे पहले डिलीवरी की बात करूंगा। अभी भी अगर आप देखते हो तो 21% उससे पहले 15%, उससे पहले 22% 14%, 18%, 19%, 23% उससे पहले 23%, 24%, 21%। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो थोड़ी सी गिरावट हुई है यहाँ पे, 24-25% के आसपास की डिलीवरी से 21% की डिलीवरी तक आया है स्टॉक आपका। तो जैसा मैंने बोला कि 106 के आसपास थोड़ा साइडवेज का मार्केट बनेगा आपका, और वो साइडवेज का मार्केट से एक डिलीवरी वाला जो परसेंटेज है ना आपका, वो साफ कर रहा है कि यहाँ पर थोड़ा साइडवेज का मार्केट आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो खरीदारी करते हो, साइडवेज जाता है, बिकवाली नहीं करनी है, पैनिक नहीं करना है। 1 से 2 हफ्ते भी अगर आपका साइडवेज रहता है, होल्ड करो, अपनी पोजीशन को डिफेंड करो। मार्केट जहां पर गिरावट में आ सकता है, मार्केट जहां पर पैनिक में है, वोलेटिलिटी में है, यू शुड नॉट पैनिक अबाउट द स्टॉक एट लीस्ट। क्योंकि जब कंपनी में अच्छी खबरें होती हैं, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक निफ्टी में शामिल हो रहा है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको अच्छी खबरें दिखाई दे रही हैं विद 1000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर जो फंड रेज हुआ उसके थ्रू, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा का Q3 बहुत बमर रहा है, यहाँ पे बहुत बढ़िया रहा है, एक बॉम्बिंग टाइप यहाँ पे एक एंट्री की है दोबारा से इसने विद अ ह्यूज मार्जिन, और 16-16.5% के आसपास का मार्जिन मेंटेन किया दोबारा से पिछला जो क्वार्टर था उसके करीब में। साथ में रेवेन्यू अच्छा बढ़ाया है, एक्सपेंसेस पे कंट्रोल किया है। तो मुझे लगता है कि देखो जिस तरह का Q3 आपका रहा है, यहाँ से कम आपका जो स्टॉक है वो शुरुआत कर सकता है फॉर अ बिग मोमेंटम, बट उसके लिए थोड़ा सा साइडवेज जाएगा, उसके लिए होल्ड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जहां तक मेरी राय है, नंबर्स के तौर पे काफी अच्छा स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 2100-2200 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट है, ईयर ऑन ईयर डबल हुआ है आपका, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बहुत अच्छी ग्रोथ है यहाँ पे। तो नंबर्स को देखते हुए, सिनेरियो को देखते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 130 का टारगेट है, बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स। बाजार को लेकर भी ज्यादा फिक्रमंद नहीं होना है, एंड आई एम होपिंग कि देखो मार्केट अगर साइडवेज रहता है, दैट वुड बी अ गुड पर्सपेक्टिव, और मुझे लगता है यहां से अगर साइडवेज जाता है दैट्स गुड, ठीक है। तो पैनिक नहीं करना है कि मार्केट बढ़ क्यों नहीं रहा है, पैनिक नहीं करना है कि मार्केट में गिरावट क्यों हो रही है, जब तक एक रेंज में है डू नॉट पैनिक, खरीदारी करो, बने रहो बाजार को, अच्छा टाइम है अच्छा पैसा बनाने का, खरीदारी करने की मेरी आपको यहाँ पे सलाह रहेगी। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स, क्या है आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर, प्लीज कमेंट करके शेयर करना, वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद है लाइक करना, चैनल भी नए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज कमेंट बिलो, कुछ पूछना हो तो थैंक यू।